सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में हुए चुनाव का आज रिजल्ट सामने आ गया। नालंदा के नवगठित नालंदा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद पद का परिणाम सामने आ गया। नवगठित नालंदा नगर पंचायत में नए चेहरों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। नालंदा नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद पर अलोदनी देवी 4377 वोट लाकर चुनाव जीत गए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कोसिलवा देवी 3687 वोट लाकर 690 वोट से चुनाव हार गए। मुख्य पार्षद पद पर अलोदनी देवी के चुनाव जीतने के बाद समर्थक मतगणना केंद्र से बाहर निकलने पर उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया। उनकी जीत के बाद समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। समर्थक उत्साहित होकर जमकर नारेबाजी करते दिखे। चुनाव जीतने के बाद मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रंजीत मुखिया ने जीत का श्रेय नवगठित नालंदा नगर पंचायत के सम्मानित जनता को दिया। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ जनता ने उन पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर वह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हुए नालंदा के चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहूंगा। नालंदा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें अलोदनी देवी 4377 वोट लाकर 690 वोट से चुनाव जीत गए। जीत के बाद समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला, जो आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थक फूलमालाओं से मुख्य पार्षद अलोदनी देवी को लाद दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।